नमस्कार सर, गुड इवनिंग। श्याम निजाम, गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। वुहान में क्या पढ़ते हैं आप? सर मैं मेडिकल पढ़ता हूँ, MBBS। तो वुहान में जब आपने सुना और आप फंस गए थे, तो वो दिन कैसे काटे आपने वहाँ? सर वो उन दिनों तो बहुत टेंशन हुआ सर, फिर उसके बाद थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट जिनने हमें इवैक्यूएट किया वहाँ से। कितने लोग थे आप लोग? सर हम ये कश्मीर से 60 थे। यस सर। लेकिन सब अपने घर में बिल्कुल अभी सलामत है? जी सर बिल्कुल, थैंक्स टू यू। आप अच्छी तरह समझा सकते हो औरों को? जी सर बिल्कुल। हाँ, क्योंकि कश्मीर में भी जो एक दो केस हुए हैं तो वो भी चिंता का विषय है। जी सर, जी सर। आप जैसे नौजवान हैं जो इस चीज को जानते हैं। जी सर बिल्कुल। टेलीफोन से लोगों को समझाना चाहिए। जी सर बिल्कुल बिल्कुल। चलिए निजाम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सर मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर। क्वारंटाइन मतलब लोगों को लगता है जैसे कैद हो जाएगी, जेल हो जाएगी? नो सर, ये तो हमें अपने सर इंडिया की सेफ्टी के लिए क्वारंटाइन लॉकडाउन किया गया है ताकि सब स्वस्थ रहे, ठीक रहे सब। मेरा नाम निजामुर रहमान है, मैं चाइना के हुबई प्रोविंस में MBBS की पढ़ाई कर रहा हूँ। मुझे कल नरेंद्र मोदी सर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कल फोन किया, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी का जिनने हमें वहां से इवैक्यूएट किया, क्योंकि वहां पर हालात बहुत खराब थे वहां पे, तो उनने हमें उसके बाद यहां क्वारंटाइन किया 14 डेज के लिए ITBP कैंप दिल्ली में। और हमें वहां हर एक अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई, लाइक इंडोर गेम्स, मेडिकल फैसिलिटीज, एवरीथिंग वॉज नाइस। आई वुड लाइक टू थैंक इंडियन गवर्नमेंट एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर दिस। और मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि वो अपने घरों में क्वारंटाइन रहे, और लॉकडाउन का मतलब यही नहीं है कि आपको कैद किया गया है, इसका मतलब यही है कि आप इस डिजीज से बचें, आप इस इन्फेक्शन से बचें।